The the sensational knock. This is Mark Wood. What a good shot, Yadav. one goes. Big. Down the ground he goes. It's at the ground That's 50. वेलकम टू क्रिक ब्रिज दिस इज ओसामा आज अंदरून भाटी से क्रिकेट के जिस जुनूनी को हमने बुलाया है उससे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल ट्रायल सीरीज के मैच पर जी हाँ हमारे साथ मौजूद हैं मलक बादशाह असलामेकुम उसामा भाई क्या हाल है आपके आय हाय 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 सुबह सवेरे उठे हैं मैं कहता हूँ टिकट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं आज जब उठे हैं तो वो नवाज और हैदर ने छक्के मारे हैं मेरी जान मजे ही आ गए है मैं आपको बताता हूँ जिसे अल्लाह रखे ना उसे कोई नहीं चक सकता बड़े भाई आज हमारे जो बैट्समैनों ने जिद लगाई हुई थी ना वो फिर वापस नहीं गए छे ओवरों में बत्तीस रन सारे मारे हैं ये तो अल्लाह बला करे मारे हैदर का मारे रिजवान का यार ऐसा लगा जैसे खान बाबा की खा ली हमने मतलब आप कह लें कि माड़ा मैच मेरे हिसाब से तो निकल गया था माड़े हाथों से आज फिर हमारे बाबर और रिजवान भाई ने कसम खाई थी छे ओवरों में बल्ला नहीं उठाना माशाल्लाह बत्तीस पे एक था और उधर से दस की एवरेज चढ़ गई हुई थी माड़े ऊपर उसके बाद शान मसूद भाई तो ऐसे आ रहे थे जैसे उन्होंने पक्का पक्का नाम लिखवा दिया टीम में और मेरी जान कोई आओ को दो चार शाटे मारो और यार को पहले छः ओवरों को एक्सप्लाइट करो और कोई चौका को कवर का दिखाओ कोई लेग का दिखाओ वहां पे यॉर्क शायर वाले आपको अपना कप्तान बना रहे हैं और पाकिस्तान टीम में आप कच्चे मारी जा रहे ऑस्ट्रेलिया में हमने जाना है ना हम ये हैदर भाई को पक्का पक्का ही काट दें ये बार बार खुशदिल भाई को लाते हैं इफ्तार भाई को लाते हैं आपको पता है कि ये तकरीबन पिछले चार सालों से जो चवले मार रहे हैं ना हमारी टीम में इससे बेहतर है कि हैदर भाई को पक्का कर दें और यार मुझे वैसे अंदर की बात बताऊँ जो मजे का लगा काम ये जो किनारों पे इनकी औरतें नहीं बैठी होती इनको देख के इनकी आंखें इतनी कि ठंडी हो गई हैं कि फाइनल में आके सारे जाग गए और आपको ब्रेकिंग न्यूज तो मैंने बताई नहीं वो जो उनके ईश्वर सोदी नहीं है बॉलर उनको तो बेचारों ने इतना मारा है इतना मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार कर दिया अट्ठावन रन पड़े हैं भाई अट्ठावन रन एक ओवर में नवाज भाई को रैदर भाई को ऐसा गुस्सा आया एक कोवर पे छक्का जा रहा है एक लेग पे छक्का जा रहा है वो तो ਛਟਾ ਬੋਲ ਕਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈੜ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਥੇ ਜੈਸੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸੇ ਇਸ ਛੋਡੀ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹਾ ਥਾ ਜੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਸੂਸ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਝੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣੀ ਐਸੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੇ ਵੀ ਗੁਸੇ ਇਨਕੋ ਠਾ 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 ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕਾ ਬੋਲਰ ਹੈ ਬੜਾ ਐਸਵਲ اسکے تو انہوں نے اتنی عزت دی ہے اتنی تو انڈیا شعیب ملک کو بنو جیسی عزت نہیں دیتا دو میچوں میں یار 11 سکور آج چار اوروں میں 14 سکور او بھائی او کیاڑا ہے ہمیں بتاؤ ہمیں او اف سپننر نہیں کھیلنا اتا او بھائی ہمارے سامنے کوئی ائے نا او اف سپننر ڈرتے پہ بول نہیں کرتا اور ہمارے جو بیٹسمین ہوتے تھے کاممی بھائی ہو گئے افریدی صاحب ہو گئے ہمارے جتنے بھی پنچ ہٹر تھے ऑफ स्पिनर तो डरता हमारे बैट्समैनों को बॉल नहीं करता था ये यार टी ट्वेंटी में ओवरों में आ रहा ही, ही ना, ना तो इफ्तारेट क्या, क्या के के में आए उन्हें प्रैक्टिस कराए भाई हर टीम के पास ओवर एक बॉलर है वर्ल्ड कप में तो हम मर जाएंगे जिसके पास दो बॉलर हुए तो मारे तो आठ ओवर वैसे ही गए और यार मैं ना हमारे वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यूज चेक कर रहा था तुम्हें पता है ਦੋ ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜहां पे ਬਾਲ ਜਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਣਾ ਯਾਰ ਔਰ ਹਰ ਟੀਮ ਨੇ ਚੌਥਾ ਬੋਲਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਆਲ ਰੌਂਡਰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਬਾਦ ਦੋਨੋ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਬੜਾ ਫਿਆਲ ਹੈ ਫਹੀਮ ਕਾ ਚਾਂਸ ਬੰਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅਭੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕੇ ਨਾਖੂੰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਲੀਏ ਤੋ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ ਪੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਕੀ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮ ਹੋਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ 180 90 ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਰਿਸ ਭਾਈ 22 ਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਈ 4 ਓਵਰਾਂ ਮੇ ਡੈਥ ਬੋਲਿੰਗ ਮੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਤੂ ਨਾ ਡਾਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਉਧਰ ਸੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਉਹ ਪੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਦੋਂ ਸੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹਵਾਸ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੱਲੋ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਨੁਸਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਤੇ ਜੋ ਐ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੱਕਾ ਮਰਵਾ ਤਾ ਤੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੱਛਾ ਕਰ ਜੇ ਓਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕ